हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एसएससी सीएचएसएल 2024 टीयर वन का रिजल्ट क्लियर कर दिया गया है और कट ऑफ देखेंगे क्या कट ऑफ गई है, ठीक है। किस तरीके से आप लिस्ट में नाम चेक कर सकते हैं, और अगर आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो कंग्रेचुलेशंस, एंड जिसका नहीं हुआ, ये टाइम अपना मन भारी करने का नहीं है। सीजीएल एग्जामिनेशन सर पे, उसकी तैयारी में लग जाइए, ठीक है। सीएचएसएल का टीयर वन क्वालिफाई करना सीजीएल के टीयर वन क्वालिफाई करने से मुश्किल होता है, ये चीज़ आप दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि वैकेंसीज का बहुत ज़्यादा फर्क है और नंबर ऑफ कैंडिडेट जो क्वालिफाई करेंगे उसमें भी बहुत ज़्यादा फर्क है, ठीक है। बाकी हम देखेंगे कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी और एक्चुअल कट ऑफ में क्या डिफरेंस आया है, और सारी चीज़ें से रिलेटेड डिस्कस की जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपका एग्जाम कराया गया था, ये 1 तारीख से लेकर 11 तारीख तक कराया गया था। इसके सारे प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेलीग्राम पर दे दिए थे। नॉर्मल एक्सपेक्टेड कट ऑफ का एनालिसिस किया था, जिसमें अनरिजर्व की ओबीसी डब्ल्यूएस एससी एसटी की कुछ इस तरीके से कट ऑफ बताई थी। मार्जिन्स भी लिखे थे कि लगभग इतना चेंज आ सकता है, और वो भी इसलिए कहीं पर नॉर्मलाइजेशन में किस तरीके से क्या है, कितने मार्क्स बढ़े हैं नहीं बढ़े, और कितने कैंडिडेट्स बुला रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल्स होते हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा भी चेंज हुआ बदल जाती हैं। अगर मैं बात करूँ, टोटल 2 कट ऑफ निकलती हैं। एक डेटा एंट्री ऑपरेटर की निकलती है, ठीक है, जो जनरली बहुत ज़्यादा हाई जाती है क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज होती हैं, और दूसरी कट ऑफ होती है हमारी एलडीसी की और जीएससी की, जो मैक्सिमम पोस्ट के लिए होती है, और इसी कट ऑफ प्रिडिक्शन की भी हम बात करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी की, कट ऑफ 157.36 गई है, प्रेडिक्ट करी थी 161, तो 3.5 नंबर कम गई है। एससी कैटेगरी की 140 प्रेडिक्ट करी थी, लगभग 140 ही गई है। एसटी कैटेगरी की 127 प्रेडिक्ट करी थी, 129.4 गई है। ओबीसी कैटेगरी की 157 प्रेडिक्ट करी थी, 156.6, लगभग 157 एग्जैक्टली सेम ही गई है। AWS कैटेगरी की 154 प्रेडिक्ट करी थी, 154.5 गई है, 150.5 गई है, लगभग 3.5 नंबर कम, तो अच्छा है। यहाँ पे 2 कट ऑफ 3 कट ऑफ लगभग बहुत पास है, 2 कट ऑफ्स में 3-3.5 नंबर का गैप है, पर वो भी डाउन साइड है, तो ये और अच्छी चीज़ है। बाकी नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है वो बाद में पता चलेगा। बाकी कुछ कैंडिडेट्स से जो अनरिजर्व स्टैंडर्ड्स पे क्वालिफाई करें उसके बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, और ऐसे डेटा एंट्री ऑपरेटर की कट ऑफ वगैरह आप देख सकते हैं, क्योंकि बहुत कम वैकेंसीज होती हैं इसकी, और उसके कुछ प्रोपोर्शन में ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, तो इसलिए अनरिजर्व कैटेगरी की यहाँ पे 176 दिखेगी, क्योंकि टोटल 408 ही कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इससे ज़्यादा नंबर लेके आ पा रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए कट ऑफ इसकी इतनी ज़्यादा हाई होती है। ओवरऑल अगर हम देखें तो कुछ बच्चों को डिबार भी कर दिया गया है, उसके रोल नंबर्स कुछ इस तरीके से, इनका रिजल्ट ही प्रोसेस नहीं हुआ, और कुछ बच्चों को विदहेल्ड लिस्ट में डाला है। जैसे कि मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी कि बच्चों का रिजल्ट विदहेल्ड लिस्ट में भी डाल दिया जाता है, जब एसएससी को डाउट होता है कि कोई चीटिंग तो नहीं हुई, या कोई और चीज़ें एसएससी को डाउटफुल होता है आंसर की या रिस्पॉन्स देख के कि प्रॉपर चीज़ें नहीं है, या कई बार होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पा रही, तो ये तो इनका रिजल्ट हो सकता है एसएससी इन ड्यू कोर्स प्रोवाइड करें। टीयर टू की एग्जाम डेट यहाँ पे नहीं दे रखी। जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो वेबसाइट देखते रहें, वरना टेलीग्राम पे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिली जाएगी कि टीयर वन टीयर टू की डेट क्या आ रही है। आज एसएससी स्टेनो की डेट भी दी गई है। एसएससी स्टेनो 2024 एग्जामिनेशन आपका 10 और 11 दिसंबर को कराया जाएगा, तो थोड़ा सा डिलेड है वो, ठीक है। और ऐसे ही जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की जो एग्ज़ाम डेट है वो भी मेंशन की गई थी टेलीग्राम पे, उससे रिलेटेड मैंने अपडेट डाल दिया था। टीयर वन के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स अभी नहीं मिले हैं, हो सकता है वो एसएससी थोड़े दिनों बाद दें। और अब ये सारी की सारी, एक तो लिस्ट में आप नाम चेक कर, रोल नंबर चेक कर लो आपका रोल नंबर है या नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा, और उसमें भी टेलीग्राम पर तो डाल ही दिया मैंने, दोनों लिस्ट में चेक कर लेना, डेटा एंट्री ऑपरेटर वाली भी और एलडीसी जेएससी वाली भी, ठीक है। उसके बाद सीएचएसएल के जो भी बेस्ट क्वेश्चंस थे वो मैंने एक प्लेलिस्ट में करा दिए हैं, ठीक है। आज ये कंप्लीट हो गई है, कोऑर्डिनेट के कहते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन के बहुत अच्छे अच्छे सवाल एग्जाम में पूछे गए थे, टॉप 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए जिसमें आप लोगों को दिक्कत रहती, तो ये वीडियो भी देख लेना, और बाकी ये सारी वीडियो अपने आप में बहुत अच्छी हैं, लेटेस्ट पैटर्न पे जो भी बेस्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं वो सारे इसके अंदर करवा रखे हैं, तो आपका यहाँ पे चीज़ें कवर हो जाएगी। जिनकी तैयारी हो चुकी है, रिवीजन हो चुकी है, और एक्स्ट्रा टाइम है कुछ अच्छी चीज़ देखने का, तो आप ये देख सकते हैं, अदरवाइज अपनी रिवीजन पे मैक्सिमम आप फोकस करते रहिए। जिन लोगों का हो गया है कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, ठीक है, आपके पास मौका है, टीयर टू में भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल सीजीएल बिल्कुल पास है, तो सीजीएल को ध्यान में रखते हुए ही आप टीयर टू की प्रिपरेशन करें। और जिन लोगों का ये है कि सीएचएसएल नहीं हो पाया, तो अगेन फिर से मन हल्का मत कीजिए, ठीक है, तो कोशिश करिए कि सीजीएल में अपना अच्छा परफॉर्मेंस दे, अपना टाइम वेस्ट करने का बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे। और दूसरी चीज़, एक चीज़ मैंने अभी 2 दिन पहले वीडियो भी बनाई थी जिसमें टेलीग्राम ग्रुप पे काफ़ी ज़्यादा जगहों पे ये चीज़ वो हो रही थी वायरल कि एसएससी सीएचएसएल का पेपर लीक हुआ है, न्यूज़पेपर की 2 आर्टिकल्स में भी मैंने दिखाया था, टाइम्स ऑफ इंडिया में आया था और उसमें आया था, क्या कहते हैं, जागरण में। लेकिन उसके अंदर अब ये पता चला एसएससी ने एक नोटिस डाला था कि एसएससी ने जो केस फाइल किया है क्राइम ब्रांच में 53 कैंडिडेट्स का के ऊपर, वो सीएचएसएल 2020 की विदहेल्ड लिस्ट का है। जो सीएचएसएल 2020 का एग्जामिनेशन हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट अभी शायद 2 साल पहले आया होगा,
तो उस टाइम पे जिन लोगों का डाउटफुल था एसएससी को, उनके ऊपर अब एसएससी को लग रहा है कि हाँ इन्होंने चीटिंग लगभग करी है, तो उनके ऊपर क्राइम ब्रांच में केस फाइल हुआ है सीएचएसएल 2020 में, कुछ सीएचएसएल 2024 में कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अपना फ्री माइंड से अब आगे की प्रिपरेशन में आप लग जाइए। फिलहाल आप लोगों से यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद। Thank you.